हेलो नियर्स एंड डियर्स, लॉ फ्रेंड्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल। तो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बीच में जो डिफरेंस है उसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो आई एम बगैर किसी लेट के स्टार्ट करते हैं। डियर्स, अटॉर्नी जनरल क्या होता है? अटॉर्नी जनरल इज़ द चीफ लीगल एडवाइज़र ऑफ फेडरल गवर्नमेंट आर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो वफाकी हुकूमत, जो यूनिटरी इधर तो नहीं है, यूकी में है, बहरहाल पाकिस्तान में हम कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो चीफ लीगल एडवाइज़र है वो है अटॉर्नी जनरल। अगर और अल्फाज में हम कहें तो इट इज़ ए एडवोकेट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट आर सेंट्रल गवर्नमेंट। जिस तरह कोई भी क्लाइंट, कोई भी एक जनरल बंदा अपना जो है वकील करता है, तो इसी तरह ये गवर्नमेंट भी अपने जो हैं वो एडवोकेट्स हायर करते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एडवोकेट हायर करती है उसको हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। दूसरी तरफ अगर एडवोकेट जनरल की बात करें तो पाकिस्तान में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, तो जो चार प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उसके जो चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं वो होते हैं एडवोकेट जनरल्स। तो हर प्रोविंस का जो एडवोकेट जनरल होता है वो अपनी गवर्नमेंट का जो लीगल एडवाइज़र होता है तो उसको हम कहते हैं एडवोकेट जनरल। तो अटॉर्नी जनरल सेंट्रल लेवल पे फेडरल गवर्नमेंट का है अटॉर्नी जनरल, और जो एडवोकेट जनरल है वो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का लीगल एडवाइज़र। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत जो अपना वकील बनाती है, अपने लिए जो एडवोकेट हायर करती है, उस वकील को हम कहते हैं एडवोकेट जनरल। अगर एडवोकेट जनरल ऑफ सिंध है तो कहेंगे एडवोकेट जनरल ऑफ सिंध, एडवोकेट जनरल फॉर पंजाब, एडवोकेट जनरल फॉर बलोचिस्तान, एडवोकेट जनरल फॉर KPK। तो इसी तरह इंडिया में भी हर स्टेट का जो है अलग अलग एडवोकेट जनरल होता है, और उसका जो सेंट्रल होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है। डियर्स, ये अटॉर्नी जनरल जो पोस्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। क्यों, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? क्योंकि ये भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 100 जो है वो रिलेट करता है अटॉर्नी जनरल फॉर द पाकिस्तान। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, इसलिए इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अटॉर्नी जनरल इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अगर दूसरी तरफ आएँ तो एडवोकेट जनरल वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 140 में मौजूद है, एडवोकेट जनरल फॉर प्रोविंस। तो इसी तरह इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो अटॉर्नी जनरल है वो आर्टिकल नंबर 76 में मौजूद है, और जो एडवोकेट जनरल है वो आर्टिकल नंबर 165 में मौजूद है, 165 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आते हैं अटॉर्नी जनरल की जो नॉमिनेशन और जो अपॉइंटमेंट है उस पर। तो अटॉर्नी जनरल की जो नॉमिनेशन करता है वो करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और जो अपॉइंट करता है वो करता है द प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है और उसकी जो सजेशन देता है, जो रिकमेंड करता है, जो नॉमिनेट करता है वो करता है प्राइम मिनिस्टर। अगर एडवोकेट जनरल फॉर ए प्रोविंस की बात करें तो उसको जो नॉमिनेट करता है वो करता है चीफ मिनिस्टर, और जो अपॉइंट करता है वो करता है रिलेटेड प्रोविंस का गवर्नर। अगर पंजाब का एडवोकेट जनरल है तो उसको नॉमिनेट करेगा चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, एंड उसको अपॉइंट करेगा गवर्नर ऑफ द पंजाब। अगर सिंध का है तो नॉमिनेट करेगा चीफ मिनिस्टर, और जो अपॉइंट करेगा वो गवर्नर ऑफ द सिंध। डियर्स, अगर अब क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अटॉर्नी जनरल की जो क्वालिफिकेशन है या वो अहल है, एलिजिबल है अटॉर्नी जनरल बनने के लिए, वो बंदा जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए अहल है वो सेम बंदा अटॉर्नी जनरल के लिए भी अहल है। अगर एडवोकेट जनरल की बात करें तो वो बंदा जो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए अहल है वो सेम बंदा एलिजिबल है एडवोकेट जनरल की पोस्ट के लिए। अब आते हैं फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ पे, कि अटॉर्नी जनरल का क्या काम है, उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या हैं। सबसे पहले कि अटॉर्नी जनरल हैंडल्स लीगल मैटर्स कंसर्न टू फेडरल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अटॉर्नी जनरल का काम है कि जो भी वफाकी हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लीगल मैटर्स हैं उसको वो हैंडल करता है। ही एडवाइसिस टू फेडरल गवर्नमेंट अपन लीगल मैटर्स, लीगल मैटर्स पे वफाकी हुकूमत को जो वो एडवाइस देता है, एंड परफॉर्म सच अदर ड्यूटी असाइंड बाय फेडरल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके अलावा जो
सच अदर ड्यूटीज़ मीन्स जो लीगल मैटर्स के हवाले से जो ड्यूटीज़ हैं वो अगर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से असाइन की जाती हैं तो उसको भी वो परफॉर्म करेगा। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल को पाकिस्तान की हर कोर्ट और जो हर ट्रिब्यूनल है उसमें आइडेंस का राइट है। अटॉर्नी जनरल अपीयर्स इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो वफाकी हुकूमत है उसके बिहाफ पे वो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होता है और हाई कोर्ट्स में अपीयर होता है। अटॉर्नी जनरल को वाइल सर्विंग एज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उसको जो है और कोई प्राइवेट जो है प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं है। अब अगर बात करें एडवोकेट जनरल की ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस की तो वो ये सेम ही फंक्शंस हैं, सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो लीगल मैटर्स कंसर्न होते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट से और वो एडवाइस करता है, वो भी रिलेटेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। और जो प्रोविंस रिलेटेड प्रोविंस गवर्नमेंट जो ड्यूटीज़ देती है रिलेटेड टू द लीगल मैटर्स उसको वो परफॉर्म करता है। एडवोकेट जनरल जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है रिलेटेड प्रोविंशियल गवर्नमेंट सूबाई जो हुकूमत है उसके बिहाफ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेश होता है। और एडवोकेट जनरल को जो प्राइवेट प्रैक्टिस करने की भी इजाज़त नहीं है। बात करते हैं राइट टू स्पीक की, क्या ये लाइक MNAs MPAs सेनेटर्स की तरह जो है पार्लियामेंट में बोल सकते हैं, इसको क्या बात करने का जो वो राइट है? तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल वो किसी भी हाउस मींस पार्लियामेंट के जो दो हाउसेज हैं सेनेट और जो नेशनल असेंबली है उन दोनों में वो किसी भी इशू पर बात कर सकता है और वो हिस्सा ले सकता है। उसके अलावा जब जॉइंट सिटिंग होता है दोनों हाउसेज की उसमें भी वो बैठ सकता है, उसका जो सेशन है उसमें भी वो डिस्कशन कर सकता है, उसमें भी वो बात कर सकता है किसी भी इशू पर, लेकिन वो किसी भी इशू पर वो वोट नहीं दे सकता, वोट देने का इसको राइट नहीं है। उसके अलावा हर हाउस की अगर कमेटी है जो भी बनी होती है कमेटी उस हाउस में उसका अगर इसको अटॉर्नी जनरल को मेंबर बनाया गया है तो उसमें भी वो बैठ सकता है, उसमें हिस्सा ले सकता है, डिस्कशन कर सकता है, बात कर सकता है, लेकिन उस कमेटी में भी इसको वोट देने का राइट नहीं है। जस्ट उस किसी भी स्पेसिफिक इशू पर जिसके लिए वो कमेटी बनाई गई है उसमें हिस्सा ले सकता है, डिस्कशन कर सकता है, बात कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो है वो MNA नहीं है, ये सेनेटर नहीं है। जो वोट जस्ट राइट है सेनेटर और जो MNAs हैं उसको, बाकी जो एडवाइज़र्स हैं जो अटॉर्नी जनरल है इसको जो है वोट देने का राइट नहीं है। अगर सेम बात राइट टू स्पीक की बात करें एडवोकेट जनरल की तो वो भी जो रिलेटेड प्रोविंशियल असेंबली है उसमें हिस्सा ले सकता है, उसकी कोई भी बनाई गई कमेटी उसमें भी हिस्सा ले सकता है, लेकिन एडवोकेट जनरल भी किसी भी प्रोविंशियल असेंबली की कमेटी में या प्रोविंशियल असेंबली में किसी भी इशू पर जो है वो वोट नहीं दे सकता, वोट देने का एडवोकेट जनरल को राइट नहीं है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं टर्म ऑफ सर्विस की कि भाई कितने टाइम और पीरियड के लिए जो अटॉर्नी जनरल वो ऑफिस होल्ड कर सकता है। तो इसके लिए स्पेसिफिक टाइम और पीरियड नहीं है, जब प्रेसिडेंट चाहे उसको रिमूव कर सकता है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और हाँ, अटॉर्नी जनरल अगर ये पोस्ट होल्ड नहीं करना चाहता तो ये अपनी रिज़ाइन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को राइटिंग में दे सकता है। अगर एडवोकेट जनरल के टर्म ऑफ सर्विस की बात करें तो इसके लिए भी स्पेसिफिक टर्म नहीं है और वो डिपेंड करता है रिलेटेड प्रोविंशियल गवर्नर पे। गवर्नर ऑफ द रिलेटेड प्रोविंस जब चाहे उसको रिमूव कर सकता है। और हाँ, अगर एडवोकेट जनरल काम करना नहीं चाहता है तो अपनी जो रिज़ाइन है वो गवर्नर को दे सकता है। एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल की जो टर्म ऑफ सर्विसेज हैं ये ज़्यादातर डिपेंड करती है गवर्नमेंट्स पे। जब नई गवर्नमेंट आती है तो नया एडवोकेट जनरल और जो नया अटॉर्नी जनरल आ जाता है, जब वो गवर्नमेंट्स जाती हैं तो ये खुद जो है वो रिज़ाइन कर देते हैं, छोड़ जाते हैं। बाकी दोस्तों अगर इस लेक्चर से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला है तो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, अगर कुछ भी नहीं सीखा तो डिसलाइक करें।